परम श्रद्धे साकेत वासी आचार्य कृपा शंकर जी महाराज मणिराम छावनी में कथा सुना रहे थे। श्री महाराज जी का चिंतन है, जिस देवता का जिस अंग में वास है सब उस अंग में उपस्थित हो गए। पहुंचे निज निज तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक माँ के दिव्य प्रासाद में बड़ी अम्बा के पावन कक्ष में भगवान प्रकाश पुंज स्वरूप में प्रत्यक्ष प्रकटे। बाबा मेरी मैया भवानी जी से कहते हैं, देवी ये देखिए कौशल्या हित का
सुहाई मातु बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम रहे। माने नहीं प्रभु ने, मां आप कैसे प्रसन्न होगी। तो मां ने कहा की जय शिशु लीला। जानते हैं कई जन्मों का, कई जन्मों का घटनाक्रम है। और माँ कौशल्या जी ने जो यह दिव्य दर्शन पाया, इस स्वरूप में तो भगवान ने बहुत आनंद नहीं दिया, परंतु जब माँ यशोदा स्वरूप में आई तो भगवान ने खूब रस दिया, खूब आनंद दिया। इसलिए बच्चों की जो ये मधुर लीला है, इसका आनंद लिया करो। ये कभी कभी जीवन में प्राप्त होता है, इसी में डुबकी लगाया करो। काम तो बहुत है। शिशु विनोद बाल विनोद में जो आनंद है वो बड़े होने पर सब तिरोहित हो जाता है, बह जाता है। इसलिए ये माँ बोली क्या, माता पुनि बोली सोमति ढोली तजह उतार। अरे की जय शिशु लीला जो अति प्रिय शीला। स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, सजाओ, तिलक लगाओ, खिलाओ, फिर कपड़े खराब, फिर बदलो, फिर चिल्लाओ, फिर खिलाओ, फिर सुलाओ। की जय शिशुला अति प्रिय शीला, यह सुख परमयनु। माँ के भाव को समझकर परमात्मा तत्क्षण सुनि बचन सुजाना रोचन खाना। सुनि बचन सुजाना रोचन खाना, होई बालक सुर भू। भगवान कौन, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम प्रभु, आद्यांतहीन अचिंत अद्भुत अखिलेश्वर परात्पर ब्रह्म। होई बालक सुर भूपा, प्रेम बस भगत प्रेम बस सगुन सो। ये प्रेम है माँ का, अपने में प्रेम देखकर मेरे प्रभु कहाँ कहाँ करने लगे। भगवान को तो पता है कि हम कहाँ आए हैं, लेकिन भगवान कहाँ कहो। और भगवान जब रोए, बाबा ने क्या लिखा है अद्भुत है। होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगा हरि पद तेर परई भव को। हमारे बच्चे जब छोटे थे तो उन दिनों हम कथा यात्रा में बहुत रहते थे। एक किया दूसरा शुरू, दूसरा किया तीसरा शुरू। तो बहू जी कहती थी घर पे कब रहेंगे, हमने कहा जब समय आएगा तो घर पे रहेंगे। तो ये प्रसंग मुझे बोलने में और अच्छा लगता कि मैं तो कर नहीं पाया। आप में जो करने वाले हो वो खोना नहीं, ये बहुत महत्व का विषय है। बच्चों के साथ रहने पर बुढ़ापा दूर खड़ी रहती है। बच्चों के साथ रहा करो, चक्के पक्के कोई मतलब नहीं होता। काम तो बहुत है वो, लेकिन ये जो सुख है
माता पिता परिवारी जनों का बच्चों की किलकारी इनका रस इनका आनंद इसलिए बाबा कहते हैं यह चरित जगावही हरि पद पावही तेन परही विप्रधे सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। अरे वैसे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया प्रकृति सत रज तम और सभी इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों से परे प्रभु लीन मनुजय अवतार। मनुज अवतार भगवान ने लिया, क्यों लिया? प्रेम के मारे लिया। मांगा था ना चाहो तुम ही समान सुत, अलौकिक प्रेम अलौकिक विवेक मिल गया।